नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस में हरिद्वार लोकसभा सीट के बाद अब टिहरी सीट पर भी घमासान के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। वैसे तो गढ़वाल से लेकर नैनीताल सीट पर भी तनातनी है, लेकिन बात टिहरी सीट की करें और टिहरी सीट पर प्रीतम सिंह की दावेदारी की करें, तो जो अभी मौजूदा समय में प्रीतम सिंह का नया बयान सामने आया है, उसने कई सारे समीकरणों को उलझा दिया है। क्योंकि प्रीतम सिंह ने अपनी दावेदारी पर बहुत ही साफ साफ खुलकर बोले हैं। उनका कहना है, मैं चुनाव लड़ने से नहीं डरता, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने चक्रव्यूह रचा है वहां पर, वो उनको ही चुनाव लड़ाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कहते कहते थक गया। मैं प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको कहते कहते थक गया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी भी अगर कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, भाई जिस व्यक्ति के लिए आपने व्यू रचना की है, देखिए अध्यक्ष जी ने जिस प्रत्याशी के लिए सारी व्यू रचना की है तो उसको वो लड़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं देखिए देखिए सोनिया जी राहुल जी जब इस बात को कहेंगे तो मैं अपनी बात कहूँगा, बहुत सारी बातें मैं उनसे कहूँगा। जब कहूँगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व भी जो है निश्चित रूप से जो प्रीतम सिंह की बातें सुनेगा तो वो भी कहेंगे कि हाँ प्रीतम सिंह अपनी जगह से। टिहरी सीट पर कर्ण मेहरा किसके लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं ये समझना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में टिहरी लोकसभा सीट पर प्रीतम सिंह का नाम बार बार चुनाव लड़ने के लिए चलता रहता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी वहां पर जिस उम्मीदवार के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं उन्हें ही चुनाव लड़ाना चाहिए। वैसे प्रीतम सिंह ने वो नाम नहीं बताया जिसके लिए कर्ण मेहरा टिहरी लोकसभा सीट पर घेराबंदी कर रहे हैं, पर टिहरी लोकसभा सीट को अगर देखे तो टिहरी लोकसभा सीट में चक्राता विधानसभा आती है और चक्राता विधानसभा में प्रीतम सिंह का एक छत्र कब्जा है। वो यहाँ से छठी बार विधायक है और पिछली बार भी जब प्रीतम सिंह टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे 2019 में तो चक्राता में उन्हें बीजेपी से अधिक वोट मिले थे। इसके अलावा भी पूरी टिहरी लोकसभा सीट पर प्रीतम सिंह का एक असर है यह मानना ही चाहिए। इसीलिए यह तय है कि टिहरी से कांग्रेस की ओर से कोई भी चुनाव लड़े उनको प्रीतम सिंह का सहयोग तो चाहिएगा ही। और अगर प्रीतम सिंह नाराज हो गए जैसे कि वो नाराज दिख रहे हैं तो टिहरी सीट पर कांग्रेस का कैलकुलेशन, जो उम्मीदवार वहां पर उतरेगा उसका कैलकुलेशन बिगड़ जाना है, यह साफ सी बात है। और प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से साफ तौर पर नाराज दिख ही रहे। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री नवप्रभात, सूरवीर सिंह सजवाण और सुनीता प्रकाश की दावेदारी सामने आ चुकी है। दिल्ली में उत्तराखंड के टिकटों को लेकर कांग्रेस की दूसरे दौर की मीटिंग हो चुकी है। एक दो दिन में टिकट फाइनल ही होने वाले हैं। बीजेपी के टिकट भी एक दो दिन में फाइनल ही होने वाले हैं। और टिकट फाइनल होने की इस अंतिम घड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस में यह घमासान दिख रहा है, प्रीतम सिंह नाराज दिख रहे। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की ओर से स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राज्य की 5 सीटों के लिए जो पैनल बनाकर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है उसमें सबसे अधिक जो टिकट के दावेदार है, संभावित नाम है, वो टिहरी लोकसभा सीट पर ही रखे हैं। बीजेपी ने टिहरी सीट पर 11 नामों को लेकर पैनल बनाया है। मुझे लगता है शायद ही टिहरी सीट पर कभी 11 नामों का पैनल किसी दल ने बनाया होगा। बीजेपी ने टिहरी सीट पर मौजूदा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, सुबोध उनियाल, आदित्य कोठारी, नेहा जोशी, मुन्ना सिंह चौहान, कुलदीप कुमार, लाखीराम जोशी, ज्योति प्रकाश गैरोला, मनवीर चौहान, रविंद्र जुगरान, कुंवर जपेंद्र सिंह के नाम पैनल में रखे हैं। इन 11 नामों में से किसी को भी टिकट मिले, लेकिन यह तय है कि टिहरी में बीजेपी में घमासान मचना नहीं है, भीतरघात की नौबत आना नहीं है। जिसको भी टिकट मिलेगा इन 11 में से, बाकी 10 मिलकर उसको जिताने में ही लगेंगे, यह साफ साफ है। जबकि कांग्रेस में टिकट फाइनल होने से पहले ही घमासान मचता हुआ दिख रहा है। टिहरी सीट पर पिछला चुनाव कांग्रेस की ओर से प्रीतम सिंह ने ही लड़ा था और वो चक्राता विधानसभा को छोड़कर किसी भी जो विधानसभा सीटें हैं किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी को पछाड़ नहीं पाए थे, उनकी बड़ी बुरी हार हुई थी।
टिहरी बीजेपी के कब्जे में लंबे समय से। आप याद कीजिए 2007 में टिहरी सीट पर उपचुनाव हुआ था और तब कांग्रेस के उम्मीदवार विजय बहुगुणा सांसद बने थे। बाद में उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2012 में टिहरी सीट पर फिर उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार राज्य लक्ष्मी शाह चुनाव जीत गई। तब से लेकर अब तक वे लगातार यहाँ से सांसद है, वे 3 बार से यहाँ से सांसद है और इस बार भी बीजेपी में इस बात पर लंबे समय से माथापच्ची चल रही है कि उनका टिकट काटने पर किस तरह के नुकसान टिहरी में हो सकते हैं। बार बार यह बात आती है कि टिहरी से उनका टिकट कट सकता है, उनकी उम्र भी इसकी एक वजह है, लेकिन उनका असर इस सीट पर है। बार बार ये बात आती है कि अगर उनकी बजाय किसी को टिकट दिया जाए तो किसी को राज परिवार से ही दिया जाए और फिर इसके नुकसान किस तरह के बीजेपी में हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी कैलकुलेशन कर रही है और भीतरघात कि जो बात है, झगड़े की जो बात है, अंदरूनी झगड़े की बात है, वो थोड़ी बहुत सब जगह रहती है लेकिन वो बाहर इस तरह सामने आती नहीं है। और कांग्रेस के में जो ये झगड़ा हर सीट पर दिख रहा है पांचों में से, ये सीधे सीधे बाहर आता हुआ दिख रहा है। वैसे भी जब कांग्रेस के लोगों से ये पूछा गया कि प्रीतम सिंह क्यों नाराज है टिहरी को लेकर, वो कौन है जिसको कर्ण मेहरा टिहरी में आगे बढ़ा रहे हैं, कर्ण मेहरा किसके लिए वहाँ चक्रव्यूह रच रहे हैं, तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रीतम सिंह इसलिए नाराज है क्योंकि कांग्रेस में एक बार फिर चुनाव से ऐन पहले नेताओं में आंतरिक कलह उभर कर सामने आ गई है। प्रीतम सिंह इसको लेकर चिंतित है। हरीश रावत और कर्ण मेहरा में हरिद्वार को लेकर जंग के आसार साफ साफ बनी गए हैं। यशपाल आर्य ने अल्मोड़ा से चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर ही दिया है। हरीश रावत ने पहले तो यह कहा कि अगर कर्ण मेहरा को हरिद्वार से चुनाव लड़ना है तो अध्यक्ष पद उनको छोड़ना चाहिए क्योंकि प्रबंधन कौन करेगा अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो। और अब हरीश रावत ने इस पूरे प्रकरण के एक दो दिन बाद ही अब फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली जैसा माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर हरीश रावत ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो कांग्रेस पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान को कोट करते हुए लिखा है, मेरे कमल भाई, उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस जनों से कहा है कि मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। मुझे उनका यह वाक्य सूत्र वाक्य के तरीके से बहुत ही पसंद आया। हरीश रावत कमलनाथ की उस बात को पसंद कर रहे हैं जो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस जनों से कही है कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता, और हरीश रावत उनके माध्यम से उत्तराखंड कांग्रेस को कह रहे हैं कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता। यानी कि यह दबाव की राजनीति है। हरीश रावत की राजनीति का यह जो खेल है, जो वो खेल खेल रहे हैं, यह वो लंबे समय से खेलते रहे हैं। हरीश रावत कमलनाथ के बयान के जरिए कर्ण मेहरा पर एक दबाव बना रहे हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से कह रहे हैं कि मैं बोझ नहीं बनूंगा अगर मैं अब बोझ बन गया हूं तो। यह एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आप इसको कह सकते हैं। यह एक दबाव है। ये हरीश रावत का राजनीतिक दबाव बनाने का अपना एक तरीका है। वो इस तरह के तरीके सालों से उत्तराखंड में कांग्रेस में इस्तेमाल करते रहे। वह विजय बहुगुणा का दौर हो, एनडी तिवारी का दौर हो, वो या फिर 2022 का चुनाव हो, आप अगर 2022 के चुनाव में उनकी फेसबुक सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट अगर निकाल कर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो एक एक शब्द के जरिए कहाँ कहाँ वार करते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे इस बार, इस पर अगले वीडियो में बात कर देंगे। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा लगता है कांग्रेस के नेता अपने झगड़ों से तभी बाज आएंगे जब कांग्रेस का पूरी तरीके से प्रदेश की राजनीति से सफाया हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।